हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू पॉल गेमिंग चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पॉल एम्पायर में। आई नो कि मैं पॉल एम्पायर के वीडियोस बहुत लेट लेट डाल रहा हूँ, बट समझा करो यार गाइस, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, लाइक बहुत मेहनत लगती है मुझे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी रहता है। तो मतलब माइनक्राफ्ट का वीडियो आप लोगों को तो पता ही है कि कुछ भी बनाने बैठो तो 4-5 घंटे से पहले आप उठ ही नहीं सकते हो, सामान इकट्ठा करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है माइनक्राफ्ट की वीडियोस बनाने का। बट खैर छोड़ो, अभी वो सब को छोड़ो एंड अभी आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। तो कैसे, लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक आयरन फार्म बना लिया था अपने लिए, जो कि वो आप लोगों को पीछे दूर पे देख रहा होगा, जो कि हमें लिटरली बहुत ज़्यादा आयरन देता है। अभी मैं वापस जाके आपको दिखाऊंगा, नहीं वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मेरे ये लामा डोंकी को देख ही सकते हो, तो ये लोग हमेशा बस यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहते हैं एंड बारिश में भीगते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनके लिए एक स्टेबल बना दिया जाए। मैं एक हॉर्स भी पकड़ के लाने वाला हूँ, तो सब उस स्टेबल में रहने वाले हैं। एंड सच बताओ तो बहुत ही सुंदर एक स्टेबल का आइडिया मैंने सोच कर रखा है अपने दिमाग में। डॉग्स के लिए भी मैं एक खतरनाक वाला हाउस बनाने वाला हूँ, बट डॉग्स के लिए हाउस मैं तब बनाने वाला हूँ जबकि मुझे कंक्रीट मिलने वाला है। कंक्रीट अगर मैं चाहूँ तो अभी भी जाके ले सकता हूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाद में बनाएंगे डॉग्स के लिए हाउस, बट आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने ये लामा एंड डोंकी एंड जो अपना घोड़ा होने वाला है उनके लिए मैं बनाने वाला हूँ एक हाउस आज। तो देर किस बात की गाइस, यार शुरू करते हैं आज के वीडियो के। स्टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या सामान लगने वाला है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो मैंने लिया 4 स्टैक ओक के लॉग्स, उसके बाद है मेरे पास 2 स्टैक स्ट्रिप्ड ओक लॉग, उसके बाद है 2 स्टैक ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि कुछ भी है आप लोग खुद से देख लेना अगर आप लोगों को बनाना हो इस तरीके का। तो मैं सबसे पहले ये सब कुछ ले लेता हूँ सामान। अभी मुझे ओक लॉग एंड स्ट्रिप्ड ओक लॉग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फटाफट से सबसे पहले ओक लॉग ले लेता हूँ एंड मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ। मैंने इस जगह को थोड़ी बहुत फ्लैट भी करी है, तो सबसे पहले क्यों ना यहाँ से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले कुछ इस तरीके से, एक एंड एक ब्लॉक को छोड़ के यहाँ पे एक बनाना है एंड उसके बाद 3 ब्लॉक छोड़ना है, 1 2 3 एंड यहाँ पे एक प्लेस करना है एंड इसके पीछे एक ब्लॉक प्लेस छोड़ के बनाना है। एंड ऐसे करके हम लोगों को थोड़ी बहुत दूर तक की बनाते जाना है एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो सर ये देखो, अभी अपना जो स्टेबल है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड अभी मुझे यहाँ पे छत बनाना है एंड पीछे से वगैरह से कवर भी करना है एंड डेकोरेशन भी करना है। तो मैं सीधा अभी वो सब कुछ कंप्लीट करता एंड फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि मतलब कि आप लोगों को तो सीधा 1 सेकंड में दिखने वाला है बट मुझे इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो मैं आप लोगों से सीधा काम ख़त्म करने के बाद ही मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अभी अपना जो पार्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है एंड लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। आप लोग देख के बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इन 3 2 1 ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, यार आप लोग एक बार कितना कूल सा लग रहा है। मुझे तो यार ये बहुत ज़्यादा ही ओपी लग गया है मेरा ये मतलब कि बार्न एंड वो सामान को मैंने थोड़ा उस तरफ को शिफ्ट कर दिया अपने डॉगीज को एंड उन सामान को एंड अंदर आप लोग मेरे लामा और डोंकी को देख ही सकते हो। तो या मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कूल लग गया है ये बार्न एंड सच्ची झूठ मत बोलना गाइस, यार आप लोग भी बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये बार्न। मुझे तो बाकी बहुत कूल लगा एंड अपना ये देखो व्हीट फार्म, अपना घर, अपना आयरन फार्म, अपने ट्रेडर हॉल, पीछे वाला जो मेन ट्रेडर हॉल है वही नहीं नज़र आ रहा है, जो बकवास का मैंने ऐसे विलेजर्स के रहने के लिए बना कर रखा वही दिख रहा है एंड या बाकी अपना ये बार्न। तो आज के इस वीडियो को मैं बस यही पॉइंट करता हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।